वेलकम फ्रेंड्स, मैं एसपी सैनी। आज हम आपको करा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर की समस्त डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। साथ में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो चैप्टर प्रस्तुत कर रहे हैं वो मेनली स्पेशली TGT को फोकस करके कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये लिखा है प्रोग्रेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। तो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेशन या श्रेणी या अनुक्रम भी बोलते थे। तो ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद किसी निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त हो रहा हो तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8। अब देखिए ये जो मिल रहा है वो इसमें 2 जोड़ के मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? इसमें 2 जोड़ के मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? इसमें 2 जोड़ के। या ऐसे कहें, जैसे मान लीजिए 2 है और ये 4 है और ये 16 है और ये 256। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मिल रहा है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मिल रहा। तो अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक जो टर्म है वो पहले वाले पद से एक निश्चित नियम के अनुसार मिल रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा क्रम या अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद पहले नियम पहले पद से एक निश्चित क्रम के अनुसार प्राप्त हो रहा है तो उसे हम कहते हैं श्रेणी। अब यहाँ पे हम देखिए पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। तो अब इसका नाम से भी बिल्कुल क्लियर है, समांतर का मतलब है समान अंतर। तो ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए यहाँ पे इनमें क्या है अंतर। देखिए यहाँ पे अंतर कितना है 2 का, यहाँ पे अंतर कितना है 2 का आ रहा है और यहाँ पे अंतर 2 का है। तो अगर अंतर समान हो तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो देखिए ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़ के प्राप्त होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी, ऐसी प्रोग्रेशन जिसका प्रत्येक टर्म जो है, जो पहला टर्म होता है उसमें एक निश्चित क्वांटिटी जोड़ के प्राप्त होता है उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, उसके बाद है 10। तो 5 में हमने क्या क्वांटिटी जोड़ी? 5। तो 10 आ गया। 10 में क्या जोड़ा? जिससे 15 आ गया 5। फिर 15 में कुछ जोड़ा हमने, तो इसमें देखिए 5 जोड़ा तो ये आ गया, इसमें 5 जोड़ा तो ये अगला वाला आ गया और इसमें 5 जोड़ा तो नेक्स्ट आ गया। तो ऐसा श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़ के प्राप्त होता है तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ निश्चित राशि क्या है? 5। तो यहाँ पर जो निश्चित राशि है, डेफिनेट क्वांटिटी है, तो वो कितनी है? 5 है, ठीक है, क्योंकि 5 जोड़ के जो है पूर्व पद में 5 जोड़ के अगला पद मिल जा रहा है। तो जो निश्चित राशि होती है इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं इसको? सर्वांतर। जो निश्चित राशि होती है उसको हम बोलते हैं सर्वांतर, और जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद। तो कहने का मतलब ये, अगर हम व्यापक की बात करें तो पहला पद अगर ए है तो इसमें एक निश्चित राशि डी जोड़ दीजिए तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस के डी, और इसमें और एक निश्चित राशि जोड़ दीजिए ए डी को तो ये हो जाएगा ए प्लस के 2D, और इसमें एक निश्चित राशि और जोड़ दें तो ये आ जाएगा ए प्लस के 3D। तो ये जो है ये कहलाती है समांतर श्रेणी, क्योंकि इसका जो प्रत्येक पद है पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़ के प्राप्त हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, और जो निश्चित राशि होती है उसको हम बोलते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर जो है, सर्वांतर क्या है यहाँ पर? डी। तो जो सर्वांतर है वो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा के भी मिलता है, या वो राशि जो पहले पद में जोड़ के दूसरा पद मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं आगे, जनरल टर्म्स ऑफ AP। अब जनरल टर्म्स क्या होता है? देखिए अभी हमने आपको बताया जो पहला पद होता है उसको हम ए लिखते हैं, और जो दूसरा पद है वो है ए प्लस डी, और तीसरे पद को ए प्लस 2D, और इस तरह से आगे भी। अब ज़रा ध्यान समझेंगे, जनरल टर्म की बात कर रहे हैं यानी व्यापक टर्म की बात कर रहे हैं, किसकी? AP की। जो पहला पद होता है तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म, और टर्म का जो पहला वर्ड है T, तो इससे हम डिनोट करते हैं, और अंतर करने के लिए चूंकि पहला है तो 1 लगा देते हैं। ये भी टर्म है AP का, इसे हम कहते हैं सेकेंड टर्म, और इसको बोलते हैं हम थर्ड टर्म, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, ये 2 था तो यहाँ पर क्या आ रहा? 1 आ रहा है। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर कितना आ रहा? 2 आ रहा, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे मैं TN लिखूँ तो ऊपर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे जो आ रहा है ये कम आ रहा है, देखिए यहाँ से इससे क्या आ रहा है? ये कम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? A प्लस के N माइनस 1 इंटू डी,
क्या आना चाहिए, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इससे क्या आना, एक कम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कम प्राप्त हो रहा, तो जनरल टर्म ऑफ ए का क्या हुआ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कहलाता है व्यापक पद या जनरल टर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, व्यापक पद या जनरल टर्म, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। अब इस टी एन के स्थान पे हम एल भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी एल इक्वल टू भी ले सकते हैं। एल यहाँ पर जो है कहलाएगा वो अंतिम टर्म कहलाएगा, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, तो हम एल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका जनरल टर्म क्या हुआ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, या इसको टी एन के स्थान पर हम एल भी प्रयोग कर सकते हैं, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका करना क्या है, हम इसका करना क्या है, इसकी सहायता से देखिए चार चीज़ें इसमें, टी एन है और एक ए है, एक एन है और डी है, तो इन चार में से कोई सी अगर हमें तीन मालूम है तो चौथी हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी इसमें अगर कोई सी तीन हमें मालूम है, एन का मतलब पदों की संख्या मालूम हो, सर्वांतर मालूम हो, प्रथम पद मालूम हो, और कौन सा पद निकालना, इन चारों में से कोई सी अगर तीन मालूम है तो चौथी हम निकाल सकते हैं, और इसे हम अंतिम पद के रूप में भी लिखते हैं, एल कहलाता है अंतिम पद, लास्ट पद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में एक बेल का आइकन भी आएगा इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखते हैं अब आगे, अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमें पदों की संख्या निकालनी है तो हम किस प्रकार से शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो अभी हमने जो फॉर्मूला बताया आपको, टी एन इज इक्वल टू क्या बताया, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी बताया, ठीक है, और यहाँ से अगर इसको हम एल भी बोल देते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको मैं अगर पक्षांतर करूँ तो एल माइनस ए ये चीज़ बटे में आ जाएगी और ये इज इक्वल टू डी, एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन, और यहाँ पे ये कहलाएगा इसका डी। अब यहाँ से पदों की संख्या अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ से डी को इधर ले जाता हूँ तो एल माइनस ए अपॉन डी, यहाँ पर डी आएगा, हमें एन निकालना है तो यहाँ पर एन माइनस वन, तो ये बन जाएगा देखिए, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस ए अपॉन डी प्लस के वन, क्या हुआ फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस के वन। अब आप जो है इसकी सहायता से आप डायरेक्ट जो पदों की संख्या निकाल सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका ये है, क्या लिखना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस और प्लस का वन, ठीक है, यानी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट जो है किसी भी श्रेणी का पदों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ट्रिक नंबर टू है, अगर हमें इस तरह से दे रखा हो, जैसे मान लीजिए किसी श्रेणी के 10 पदों का 10वां पद 5 है और 20वां पद 6 है तो उसका 19वां पद निकालो। जैसे मान लीजिए कि किसी का n वां पद हमें दे रखा है x और दूसरा m वां पद हमें दे रखा है y, ठीक है, तो अब हमें d निकालना है तो इसको हम d जो है शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो d कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई अपॉन इनका डिफरेंस यानी n माइनस एन। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट d निकाल दे सकते हैं और d के निकलते ही बाकी और चीज़ें भी निकल जाएंगी। तो अगर हमें इस तरह से दे रखा है टी एन इजिकल टू एक्स टी एम वाई, अगर सर्वांतर निकालना तो क्या करना है, एक्स माइनस वाई अपॉन एन माइनस एन, यानी इनको माइनस कर देना और इसको माइनस कर देना, डायरेक्ट जो है सर्वांतर निकल जाएगा। उसके बाद हम ए आराम से निकाल लेंगे और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ट्रिक नंबर थ्री की बात करते हैं, तो ट्रिक नंबर थ्री ये है कि अगर कहीं पर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन,
इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मान लीजिए के है, तो यहाँ जो के होगा वो इसका और इसका जो है मीन होगा। अगर यहाँ पे मीन दे रखा है ये, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, इसका मीन अगर हमें दे रखा है ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों जोड़ोगे 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 5। अगर ऐसा है और हमसे एन की मान पूछिए, या ध्यान देना इसमें इसमें ये रिलेशन है कि ये एक कम होना चाहिए नीचे, तो एन का मान आप डायरेक्ट लिखेंगे 0। ठीक है, कब लिखेंगे, जब ए बी का जो मीन है वो क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2 की पावर n+1 और यहाँ पर है मान लीजिए 6 की पावर n+1 और नीचे क्या है 2 की पावर n+6 की पावर n। अब यहाँ पे जो दिया होगा जैसा कि मैं ट्रिक की बात कर रहा था, तो जैसे मान लीजिए 2 की पावर क्या है, यहाँ पर दे दिया n+1 और यहाँ पर दे दिया 6 की पावर n+1। ठीक है, और अपोन में क्या दे दिया 2 की पावर n+6 की पावर n, और यहाँ जो बराबर होना चाहिए इन दोनों का मीन होना चाहिए, इन 2 और 6 8, 8 का आधा हो गया 4। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम n की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि जो नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर वो इक्वल टू 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए a की पावर n है, b की पावर n है, अपॉन a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो होना चाहिए ऊपर वाले से एक कम होना चाहिए। तो ऐसा है तो नीचे वाला जो डिनोमीटर है उसकी जो पावर है वही इसका, उसको 0 के इक्वल रख के आंसर निकल जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम आपको इस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, और प्रैक्टिस सेट में जितनी हम यहाँ पर ट्रिक्स बता रहे हैं सबका प्रयोग करेंगे, और अगर आप इन ट्रिक्स का यूज करते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन टर्म्स ऑफ ए पी फ्रॉम द एंड, यानी कि हमें अगर लास्ट से एन टर्म निकालना हो किसी ए पी का तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए अभी हमने आपको बताया था जो सीरीज थी वो क्या थी, a a+d और a+2d और लास्ट में क्या था, एल था। ठीक है, और इससे जो पहला पद होगा वो डी कम होगा। ठीक है, तो टी एन का मतलब ये है कि इसका अंतिम, अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एन से लास्ट से एन टर्म निकालना, तो लास्ट से एन टर्म बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए l-d है, इससे पहला हो जाएगा l-2d। तो यहाँ पर हम अरे तो यहाँ पे जो पहला पद क्या था a, और दूसरा क्या है a+d, और फिर तीसरा है a+k 2d, और फिर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे l होगा, और उससे पहला जो क्या होगा ad कम होगा, यानी कि l-d और फिर l-2d। अब चूंकि लास्ट से निकालना तो लास्ट वाला तो tn बराबर हो जाएगा, तो प्रथम पद की जगह काम करेगा l, और जैसे यहाँ पे इसको कहेंगे हम t1, इसको t2, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको कहेंगे t3, और इस तरह से यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर आ रहा 2, और यहाँ पर अगर मैं n लिखूँ तो क्या आना चाहिए, l-n-1 × d, क्या आना चाहिए l-n-1 × d। तो यही कहलाता है लास्ट से n टर्म। अगर लास्ट से n टर्म निकालना तो ये फॉर्मूला हो गया tn-, तो यहाँ पर l प्रथम पद की जगह आएगा l, और प्लस की जगह आएगा -n-1 × d, ये कहलाता है n टर्म्स ऑफ ए पी फ्रॉम द एंड। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना तो बिना फॉर्मूले याद करे भी आप लास्ट से अंत से किसी एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए सीरीज है हमारे पास 2, 4, 6 है, ठीक है, लास्ट में हमें दे रखा 100। अब हमसे कह रहा है लास्ट से 15 पद निकालो, तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो लास्ट वाला पद ये है, तो हमें लास्ट से 15 पद निकालना है, तो इसको आप पलट के लिख लो। तो पहला पद ऐसे पलट लिया 100, इससे 2 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 98, फिर 2 कम कर दीजिए, और जो इसको लास्ट वाला जो है ये यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करना है, 15 पद निकाल दीजिए, शुरू वाला ही फॉर्मूला लगा दो tn = a+k n-1, फिर उसी फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, या तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए या सीरीज को क्या कर लो पलट लो, और पलटने के बाद फिर वही फॉर्मूला लगा दो, तब भी आप जो है इसका आराम से n वा पद लास्ट से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी। अब ए पी के जो है n पदों का योग हमें निकालना, तो ए पी के n पदों का योग निकालने के लिए जो इसे मान लिए एस एन है, और जो टर्म्स है उन सबको प्लस कर देना। तो पहला टर्म क्या था, a था, उसके बाद दूसरा क्या था a+d, यानी एक निश्चित राशि जोड़ के जो मिला था, तीसरा पद क्या था a+k 2d,
ठीक है। और इसी तरह से लास्ट वाला क्या था, ये L, और इससे पहला क्या था, L माइनस के D, ठीक है। अब इसको अगर हम पलट ले यानी लास्ट वाला पहला लिख लें L, तो इससे पहला क्या था, L माइनस के D और फिर L माइनस के 2D, और इस तरह से लास्ट में क्या जाएगा, A। और अगर हम इनको प्लस कर दें तो प्लस करने पर हम देख रहे हैं ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस करने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, SN SN हो गया 2SN, और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस के L, और यहाँ भी जो जुड़ कर क्या उतना बचेगा, यहाँ भी A प्लस L बचेगा, और लास्ट में भी देखिए क्या बचेगा, A प्लस के L बचेगा, A प्लस के L, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो ये जैसे मान लीजिए हम x को दो बार लिखे, x प्लस x, तो कितना आता है जोड़ के, 2x आता है। इसी तरह तीन बार जोड़ लिखेंगे, तीन बार लिखेंगे x को तो 3x आएगा, चार बार जोड़ेंगे x को तो 4x आएगा, और इसी तरह से अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। तो यहाँ पे n टाइम्स जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इनटू में क्या आएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2SN इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो यहीं से देखिए फॉर्मूला बन जाएगा, ये 2 को हम यहाँ पर अपॉन में ले जाएंगे, क्या बनेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बन जाएगा SN इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो इसको देखिए याद करने का तरीका, ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन, ऐसे याद करेंगे इसे आसान पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं ए अर्थमेटिक मीन, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन इंटू एन। अगर अर्थमेटिक मीन की अगर हम पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हम जो है योगफल निकाल लेंगे। जैसे माली सीरीज दे रखी है हमारे पास 2, 4 और लास्ट में दे दिया है 10। अब हमें इसका योग निकालना, तो क्या करना, फर्स्ट और लास्ट का मीन निकाल लो, 10 और 2 कितना हो गया, 12, 12 का आधा कितना हो गया, 6, ठीक है। मीन निकाल लिया, और उसकी कितने टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट इसमें कितने 5 टर्म हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×5=30 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोबारा फिर समझेंगे, अर्थमेटिक मीन यानी फर्स्ट लास्ट के जोड़ के आधा कर दो और उसमें पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हम योग निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला एक और होगा, यहाँ पे SN इज इक्वल टू कितना है, n अपॉन 2 ए प्लस के एल। अगर एल के स्थान पे हम वो रख दें व्यापक पद पहला वाला, तो देखिए एक फॉर्मूला हमें और मिल जाएगा, क्या रख दें, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, ये रख दें तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा SN n अपॉन 2, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो है ये दो फॉर्मूले हमारे आ गए, तो एक ये वाला फॉर्मूला ज़्यादातर हम उसी का यूज करेंगे। इसे कैसे करना, अर्थमेटिक मीन की n से मल्टीप्लाई कर दें तो भी योग निकल जाएगा, या इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनकी बात कर लेते हैं। ट्रिक्स नंबर 4, हम यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें कि योगफल जो होता है वो हमेशा एक द्विघात समीकरण होता है। जैसे अभी आपने जो योगफल होगा SN वो हमेशा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण इस टाइप का, an² प्लस bn प्लस के c। तो योगफल जो होता है वो हमेशा एक द्विघात समीकरण होता है, यानी कि n इस टाइप का, और जो n पद होता है वो हमेशा एक रेखीय व्यंजक होता है, दैट इज इस टाइप का, प्लस ये 2n प्लस b इस टाइप का, ठीक है। तो योगफल जो होगा हमेशा एक द्विघात समीकरण होगा, और जो tn होगा वो हमेशा एक रेखीय पद होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि योगफल का जो फॉर्मूला है SN बराबर क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखिए n की अगर हम अंदर गुणा करें तो इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी द्विघात बन जाएगा। और जो tn का फॉर्मूला होता है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे n की क्या केवल एक घात है, इसलिए n वा पद हमेशा क्या होगा, एक रेखीय पद होगा, और जो योगफल होगा वो हमेशा द्विघात होगा, ठीक है। अब इससे देखिए ट्रिक्स कैसे बनती है, अब ज़रा ध्यान समझेंगे। अगर हमें SN दे रखा है इस टाइप का, an² प्लस के bn प्लस के c, ठीक है, योगफल दे रखा, और इसमें हमसे पूछ सकता है कि पाँचवा पद निकालो, 20वां पद निकालो, योगफल ये है, तो पद कोई सा पूछ सकता है, या ये कह सकता है कि 20वां पद या जो पद है 5वां 6वां पद निकालो फिर उनका योग निकालो। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है tn की, तो tn को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अगर योगफल दे रखा है तो करना क्या है, इसका डिफरेंशियल आपको यहाँ पर कर देना, डिफरेंशियल करेंगे तो 2n, और बाद में जो कॉन्स्टेंट है ये, इनका डिफरेंस यहाँ पर लिख देना, बस लो जी ये आराम से निकल के आ जाएगा। तो इसकी सहायता से हम बड़ी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोबारा फिर समझे, योगफल जो दिया होगा उसका फर्स्ट टर्म का तो आपको डिफरेंशियल करना, डिफरेंशियल क्या होगा, भात पहले आएगी उससे एक कम हो जाएगी, यानी पावर पहले आई उससे एक कम हो गई,
और बाद में प्लस करके क्या करना है, जो एन के कोफिशेंट हैं इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। तो इसकी सहायता से हम इन सब का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ जितनी भी ट्रिक्स बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, जब हम इसका प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें सारी ट्रिक्स का इनका यूज करेंगे। अभी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता रहे हैं। और जो ये होता है एन का जो कोफिशेंट हो, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर भी बोलते हैं। तो हमसे इसमें कहता है कि इस तरह का जगह सर्वांतर निकालो, तो बस डिफरेंशियल कर दीजिए। डिफरेंशियल करने के बाद जो एन का कोफिशेंट होगा वही जो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कहलाएगा। ठीक है, तो सर्वांतर तो हम देख के निकाल सकते हैं, बस डिफरेंशियल कर दीजिए। तो एन का जो कोफिशेंट होगा वही क्या कहलाएगा? सर्वांतर कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए ट्रिक नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक इस टाइप की होगी। तो यहाँ पे अगर हमें, अभी पहले भी मैंने आपको बता दिया था, तो एस एन इज इक्वल टू, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एस एन इज इक्वल टू क्या, एन अपॉन टू, और यहाँ पर है ए प्लस एम। तो ये मैंने अभी आपको पहले थोड़ी सी बता दी थी। तो इसी की सहायता से जो योगफल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या था, फर्स्ट फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इस तरह याद करना, अपॉन टू इंटू नंबर ऑफ टर्म, क्या लिखना, नंबर ऑफ टर्म। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इन अपॉन टू इंटू नंबर ऑफ टर्म, इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसे हम योगफल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक हम पहले ही बता चाहिए। आप देखिए जो छठी ट्रिक है वो क्या है, एक इस टाइप क्वेश्चन हो, मान लीजिए 20 पदों का योग है 25 और आगे 40 पदों का योग है 60, तो उसका कोई पद पूछे हमसे 16 में 5 पद, तो किस तरह से निकालना। तो मान लीजिए कि m पदों का जो योग है वो है x और n पदों का जो योग है वो है y। अब हमें इसका d निकालना, तो जब तक d और a नहीं निकलेगा तब तक हम tn नहीं निकाल सकते। तो d निकालने का बहुत आसान तरीका है, बस ये करना इनको डिफरेंस कर दीजिए, कैसे ऐसे करके देखिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है एम वाई और इसकी इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है एन वाई, और अपोन में इन्हीं का फिर डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर जो करना डिफरेंस वो अपोजिट लिखना है, एन माइनस एम इन टू इसी की मल्टीप्लाई करनी है एन एम, और टू टू टाइम्स कर देना। तो इसकी सहायता से हम डायरेक्ट जो है सर्वांतर निकाल लेंगे और इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। दोबारा फिर समझे, मैं एक बार और इसको बता देता हूँ क्या होगा। जैसे एस एम इज इक्वल टू क्या हो एक्स, और एस एन इज इक्वल टू क्या हो बाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आएगी टू टाइम्स करना, तो टू टाइम्स क्या होगा एम बाई माइनस के एन एक्स, अपॉन में क्या करना है इसका अपोजिट करना एन माइनस एम इन टू एन एम एन एम एन एम। तो इसकी फॉर्मूले की सहायता से आप डी जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। और अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उसके रूल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको ध्यान रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, मैं इनको समझा रहा हूँ, आप जरा ध्यान समझ ले। इफ कॉन्स्टेंट इज एडिड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इज टर्म ऑफ ए पी देन द रिजल्टिंग सिक्वेंस आल्सो ए पी विद द सेम कॉमन डिफरेंस, अर्थात या किसी ए पी में हम कोई निश्चित राशि जोड़ दें या घटा दें तो जो नई श्रेणी आती है वो भी एक समांतर श्रेणी होती है। जैसे मान लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है, अगर हम इसमें कोई निश्चित क्वांटिटी जोड़ दें, जैसे मान लीजिए 1 जोड़ दिया, तो 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 9, तो जो नई श्रेणी होगी वो भी क्या होगी समांतर श्रेणी होगी, और उसका जो सर्वांतर होगा वो वही होगा जो पहले वाली श्रेणी का होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्या, इफ़ इज टर्म ऑफ गिवन ए पी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के देन द रिजल्टिंग सेक्वेंस इज आल्सो ए पी ऑफ कॉमन डिफरेंस के ए और डी अपॉन के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ए पी को किसी निश्चित राशि से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद जो नई सीरीज आएगी वो भी क्या कहलाएगी ए पी कहलाएगी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करी है इतने ही गुना हो जाएगा। जैसे सीरीज है 2 4 6 8 है, अब मान लीजिए हमने इसे क्या करा 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। देखिए ये भी समांतर श्रेणी बन रही है, कितना सर्वांतर इसका डी बराबर 4, तो पहले के सर्वांतर का जितने से मल्टीप्लाई उतने गुना हो जाएगा 2 × 2, तो देखिए दोगुना हो गया इसका सर्वांतर, पहले कितना था इसका सर्वांतर 2, अब चूंकि इसका हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो सर्वांतर 2 गुना हो जाएगा, यही है के डी और डी अपॉन के का मीनिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ए सिक्वेंस इज एन ए पी
इट्स एन टर्म इज ऑफ द फॉर्म ए एन प्लस बी लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई सीरीज अगर ए पी में है तो उसका जो एन वा पद होगा वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा, यानी कि एन की जो पावर होगी वो हमेशा एक होगी। देख नेक्स्ट है, देख लेते हैं। इन ए फाइनाइट ए पी द सम ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द ऑलवेज सेम। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सीरीज के फर्स्ट और लास्ट से जो टर्म होते हैं उनका जो सम होता है वो सेम होता है। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6 और लास्ट में लिख लिया मैंने मान लीजिए 20 है, तो फर्स्ट लास्ट को जोड़िए तो जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 22, और उसके बाद उससे पहले वाला जोड़ कर देख लीजिए। तो समान दूरी पर स्थित जो टर्म्स होते हैं उनका जो सम होता है वो ऑलवेज सेम होता है। आप इस तरह से आगे भी जोड़ोगे तो इनका जो सम होगा वो ऑलवेज सेम होगा। नेक्स्ट है, दे आर थ्री नंबर्स ए बी सी ए पी। अगर तीन नंबर ए बी सी में ए पी में है, ठीक है, थ्री नंबर क्या है ए बी सी ए पी में है, तो बीच वाला जैसे ए बी सी अगर ए पी में है तो बीच वाले टर्म को हम जो मीन बोलते हैं, और जो मीन होता है वो इन दोनों के जोड़ का आधा होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट, इसमें इसमें कुछ और है। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ टर्म इन ए पी, नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब जरा ध्यान दें, अगर हम ए पी में हमेशा तीन संख्याएं मान ली हो तो हमेशा वो ए माइनस डी ए ए प्लस डी लेंगे। नंबर थ्री, अगर चार संख्याएं आपको लेनी है ए पी में तो हमेशा वो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी। पाँच लेनी है तो ये लेंगे, और छः लेनी है तो ये लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इनको क्यों लें, तो इसका ये कारण है कि अगर आप इस टाइप की संख्या लेते हैं तो केवल दो कंडीशन से ही आप 3, 4, 5, 6 तक की संख्याएं निकाल सकते हो, केवल दो कंडीशन से। अगर आप इसके अलावा कुछ और संख्याएं लोगे तो जितनी इक्वेशन है इतनी ही कंडीशन हमारी होनी चाहिए, तब हम उनके वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अर्थात हमें अगर तीन वैल्यू निकालनी है तो तीन ही इक्वेशन चाहिए। लेकिन अगर हम इन्हें मान लेते हैं तो केवल दो कंडीशन से ही तीन वैल्यू या चार वैल्यू या पाँच या छः तक वैल्यू हम केवल दो प्रतिबंध से ही निकाल सकते हैं, जबकि नॉर्मल नियम होता है कि जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई है तो दो समीकरण होने चाहिए, एक्स वाई जेड है तो तीन समीकरण होने चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड यू है तो चार समीकरण होने चाहिए। लेकिन अगर आप ए पी में मानते हैं तो केवल दो कंडीशन से ही हम दो तीन संख्याएं, चार संख्याएं, पांच संख्याएं, छह संख्याएं तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और देखिए, नोट करिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड देन द मिडिल टर्म इज एंड ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो यहाँ पर देखना, इफ द नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है ऑड, ऑड का मतलब 3 और 5, ठीक है, और मिडिल टर्म इज ए, तो इनका जो मिडिल टर्म होगा वो कैसा होगा, ए होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर ऑड है तो मिडिल टर्म क्या है, ए है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, और अगर इफ़ द नंबर ऑफ टर्म इवन, इवन का मतलब ये 4 और 6 है, देन द मिडिल टर्म ए माइनस डी ए प्लस डी। तो मिडिल टर्म क्या होंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, देखिए यहाँ पे, तो इस टाइप के होंगे। अगर क्या ओड है तो ए माइनस डी ए प्लस डी, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी कब इवन है, और अगर ओड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, ए होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। अर्थमेटिक मीन से मतलब ये है कि अगर तीन संख्याएं ए पी में हैं, जैसे ए बी सी, अगर तीन संख्याएं ए पी में, तो बीच वाला जो टर्म होता है वो फर्स्ट और लास्ट के जोड़ का आधा होता है। इसे ही हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ए एन, ठीक है। अब देखिए कैसे आता है, अब चूँकि तीन नंबर है ए बी सी ये ए पी में है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2b बराबर आ जाएगा a प्लस के c, 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ये अपोन में पहुँच जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस c अपोन 2। तो दिस इज नोन एज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए पी। तो अगर तीन नंबर्स क्या हैं a b c ए पी में है, तो जो बीच वाला जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और लास्ट के जोड़ के आधा कर देते हैं। अब देखिए इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी हम जो है एक ट्रिक वहाँ पर और बता रहे हैं हम आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। जैसे मान लीजिए 100 यानी और 1000, 100 और 1000 के बीच में आपको 7 से विभाज्य संख्या निकालनी है, तो इसके लिए काफ़ी लंबा तरीका है, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। 100 और 1000 के बीच में 7 से विभाज्य संख्या है, तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य हैं। तो तीन अंकों वाली सबसे पहली संख्या लिख लीजिए, और तीन अंकों वाली सबसे लास्ट वाली संख्या ये होगी। तीन अंकों वाली संख्याओं के बीच में कितनी 7 से विभाज्य संख्याएं हैं,
तो इसके लिए पहली तीन से विभाज्य संख्या लिख लीजिए, लास्ट वाली तीन से विभाज्य संख्या लिख लीजिए, और उसके बाद उसे जैसे सात से विभाजन निकाल लिए तो सात से इसको डिवाइड कर दीजिए, और लास्ट वाली जो है उसको डिवाइड कर दीजिए सात से, और यहाँ पे पूर्णांक नंबर लिख लीजिए। तो पूर्णांक नंबर क्या होगा, सात एकम सात, तीन बचे ये हो गया तीस, सात चौक अट्ठाईस, इस तरह इसका लिख लीजिए। सात एकम सात, दो बचा और ये हो गया उनतीस, सात चौक अट्ठाईस, ठीक है, सात एकम सात और ये दो बचा सात चौक अट्ठाईस और एक हो गया और हो गया उन्नीस, सात दूनी चौदह, 142। अब 142 में से इनका माइनस कर दीजिए, जो लास्ट वाला टर्म आया उसमें से ये माइनस कर दो, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 12 में से 4 गए 8 और ये यहाँ 3 में से 1 गए 2, यानी 128 जो पद हो गए वो क्या होंगे, 7 से विभाज्य वाले टर्म हो गए। दोबारा फिर सुनेंगे, अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए 3 7 से विभाज्य वाली, 3 अंकों वाली संख्या निकालनी है, 4 अंकों वाली निकालनी है, 2 अंकों वाली निकालनी है, तो जैसे मान लीजिए 3 वाली निकालनी है तो सबसे पहला 3 नंबर वाला अंक लिखिए, लास्ट वाला तीन अंक वाला नंबर लिखिए, पहले को जिससे विभाज्य संख्या निकालनी है उसे डिवाइड कर दीजिए, जैसे सात से विभाज्य निकालनी है तो सात से डिवाइड कर दीजिए, पाँच से निकालनी है तो पाँच से डिवाइड कर दीजिए, पाँच वाली निकालनी है तो पाँच से डिवाइड करेंगे इसको आ जाएगा 20, लास्ट वाले को पाँच से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा पाँच एकम पाँच और चार बचे, पाँच हो गया 49, पाँच नौ 45, चार बचे हो गया 49, पाँच नौ 45, यानी 149 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये जो है पाँच से विभाज्य वाली सारी संख्या निकल के आ जाएंगी। तो इन ट्रिक का प्रयोग भी हम जो अगला आपको सेट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो उसमें सारी ट्रिक्स का आप प्रयोग करेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे पढ़ने के बाद जब आप उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको कॉर्नर का आई बटन दबाकर प्राप्त हो जाएगा, और हम जो आपको एक इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि शीघ्र ही हम जो है एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कराएंगे, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो हम टेस्ट सीरीज भी एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड आपको कराएंगे, तो लगभग 15 दिन तक वो टेस्ट सीरीज चलेंगे, आप इनको अभी प्रैक्टिस करते रहिए और इसको प्रैक्टिस करने के बाद जब आप टेस्ट सीरीज हमारी करेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प इनसे मिलने वाली है। तो हम जो है लगभग एग्ज़ाम से 15 दिन पहले टेस्ट सीरीज कराएंगे और उसमें मिक्स क्वेश्चन हम देंगे, और मिक्स क्वेश्चन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो आप अपने का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, अभी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और उसके बाद 15 दिन पहले हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टेस्ट सीरीज की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।